खबर है, मथुरा वृंदावन नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड संख्या 48 में करोड़ों की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रहे भू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने न केवल भूमि को कब्जा मुक्त कराया है बल्कि आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई का भी आदेश दिया है। शनिवार को सहायक नगर आयुक्त राकेश कुमार त्यागी को सूचना मिली थी कि गांव असगरपुर में प्रहलाद पुत्र हरचंद फतेह सिंह पुत्र नेपाल पुत्र उर्फ राजेश कुमार फतेह सिंह द्वारा करोड़ों की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसको लेकर के ये कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने कई करोड़ की संपत्ति पर कब्जा युक्त जमीन पर कब्जा मुक्त कराया है। यहाँ पे खबर आई थी कि कुछ लोग यहाँ पे जो सार्वजनिक जगह है, हमारी सरकारी जगह है, उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं और बाउंड्री दीवार बना रहे हैं। ये प्रति सिंह है, प्रहलाद सिंह है, नेपाल सिंह है। तो हम अपने लेखपाल कानून को और ATF को लेकर के आए थे और यहाँ देखा कि ये जमीन जो है धारा संख्या 226 जो है आबादी की भूमि है, जो मौके पे गांव के बीचों बीच बड़ी लगभग 1500 वर्ग मीटर जगह है, बड़ी कीमती जगह है और इस पे ये लोग दीवार बना करके बाउंड्री वाल बना करके कब्जा कर रहे थे और ये हम JCB से इसका कब्जा हटवा रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ हम लोग FIR भी लिखवाएंगे। सर आगे और क्या प्रोसीजर होगा आपका? आगे प्रोसीजर ये है कि ये जमीन जो है सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, निजी भूमि नहीं है और इन्होंने इस पर कब्जा करने की कोशिश की, इनके खिलाफ FIR लिखवाएंगे। कब्जा हम लोग हटवा रहे हैं और ये आगे पार्क वगैरह के रूप में विकसित हो सकती है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।